अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मेरा नाम हुसैन नसीम है और आज हमने जानने की कोशिश करनी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये जो फाइल मेन्यू है और इस फाइल मेन्यू के अंदर जो टूल्स हैं, इनका बेसिक फंक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए इसको जानते हैं कि ये सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है, ओपन क्या होता है और साथ ही साथ क्लोज क्या होता है। दोस्तों, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है, इसका साइज भी मैंने बड़ा किया हुआ है और इसका राइटिंग स्टाइल भी मैंने चेंज किया हुआ है। दोस्तों, आपको अभी ये मैंने बताया हुआ नहीं है कि ये साइज कैसे चेंज किया जाता है, फिलहाल आप इस बात को भूल जाएं, सिर्फ आप इतना समझें कि हमने सबसे पहले इस टूल का इस्तेमाल करना जानना है। दोस्तों, ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस टेक्स्ट को मैं या इस पूरी फाइल को मैं अपने पास सेव करना चाहता हूँ। सेव किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को आप महफूज करना चाहते हैं तो महफूज करने के लिए आप उसे अपने पास सेव करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो मैंने फाइल लिखी है, इस फाइल को मैं अपने पास सेव करना चाहता हूँ। तो सेव करने के लिए सबसे पहला काम आप ये कीजिए, आप जाइए फाइल के बटन को दबाइए, यहाँ पे सेव का बटन आएगा, आप इस टूल के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही मैंने इस टूल के ऊपर क्लिक किया तो वो मुझसे कह रहा है कि आप अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो मैंने इसे कहा कि ये जो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बना रहा हूँ, इस फाइल को सेव किया जाए बाहर डेस्कटॉप पे। मैंने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया और यहाँ से दी नेशनल एकेडमी के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। दोस्तों, अब बाहर जाके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल आई है जिसका नाम है दी नेशनल एकेडमी। आप इस फाइल को ओपन करके जो चीज़ें आपने इसमें लिखी हुई थी वो सारी की सारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, फाइल को सेव करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल एस का बटन दबाइए तो आप फाइल को ईजिली सेव कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे एक और टूल है जिसका नाम है सेव एज। अब ये सेव एज का टूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि अभी आपने जो फाइल सेव की है वो किस नाम से सेव की है, तो टाइटल बार में जाके देखिए दी नेशनल एकेडमी के नाम से हमने ये फाइल सेव की हुई है। पर अगर मैं ये जानना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ कि इस फाइल का नाम मैं चेंज कर दूँ, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल का नाम चेंज हो जाए, कोई और नाम इसका रख दिया जाए, तो उसके लिए आप सेव एज की टूल का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। दोस्तों, इस फाइल को जो मैंने बनाया था और इसका नाम अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो फाइल का नाम चेंज करने के लिए आप सेव एज के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेव एज को दबाया तो यहाँ पे देखें सेव एज का एक पूरा मेन्यू खुल गया है और मुझे वो कह रहा है कि आप फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं अपने नाम से फाइल को सेव करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने नाम लिखा तो फिर मुझसे कह रहा है कि आप जगह भी बताइए कहाँ पे फाइल सेव करनी है। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ और उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फाइल का नाम चेंज हो चुका है। अब ये फाइल जो है वो मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव की है। तो आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाइए और यहाँ पे हमजा नामी फाइल को ओपन कीजिए तो वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप सेव एज को शॉर्टकट तरीके से यूज करें तो F12 सेव एज की शॉर्टकट की है। F12 सेव एज की शॉर्टकट की है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे एक और टूल है जिसको हम कहते हैं ओपन। दोस्तों, ओपन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखिए, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी और फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करें, तो किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को ओपन करने के लिए आप ओपन के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज का टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं फाइल को ओपन के बटन को दबाता हूँ। जैसे ही बटन को दबाया तो मुझसे कह रहा है, जी आप किस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, उस फाइल का नाम तो बताइए। मैं इसको कहता हूँ डेस्कटॉप पे दी नेशनल एकेडमी के नाम से एक फाइल है, इसको ओपन किया जाए। जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो देखिए दोस्तों, ये दी नेशनल एकेडमी की फाइल ओपन होगी। और याद रहे, ओपन की शॉर्टकट की है Ctrl+O। Ctrl+O से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसके बाद अगर फाइल को क्लोज करना है तो क्लोज के टूल का आप इस्तेमाल करके बआसानी अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, Ctrl+W अगर आप दबाएंगे, तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। देखें, मैं Ctrl+W जैसे ही दबाऊंगा तो मेरी ओपन शुदा फाइल क्लोज हो जाएगी। तो कोई भी फाइल अगर आपके पास ओपन है और आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो Ctrl+W की मदद से आप उस फाइल को क्लोज कर सकते हैं।